नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर चिन्हौर तहसील क्षेत्र से है, जहां क्षेत्र में चल रहे आधा दर्जन उचावन केंद्र, एक घर सोंदी, दो ईटमा, दो तीन चिन्हौर, चार पिपरुआ, पांच बनवार, छह दुवार, सात करहिया केंद्रों का निरीक्षण जीएस जादून, जिला आपूर्ति नियंत्रण अधिकारी ग्वालियर निशांत पांडे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी भितरवार के द्वारा गुरुवार को निरीक्षण किया गया, जिसमें ये देखा गया कि कितने किसानों से खरीद हो चुकी है और कितने बचे हैं। शासन द्वारा 26 मई तक की खरीद की डेट दी गई है। 26 मई तक सभी किसानों की खरीद नहीं हो पाएगी, इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रभारियों को बोला गया है कि किसानों के लिए छाया पानी की व्यवस्था करेंगे, चंदा लगाकर कि गेहूं तोले जाएं। ऐसे किसान जिनके 15 मई तक के SMS निकल कर गए हैं, उन्हें गुरुवार को छूट दी गई है, वो तुलवा सकते हैं। दो दिन से किसानों से खरीद हुए गेहूं की ऑनलाइन पर्ची नहीं निकल रही थी, आज से पर्ची निकलना शुरू हो गई है। चिन्हौर से संवाददाता ज्ञान सिंह मौर्य की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका, किस विभाग से हैं और किस पोस्ट पर हैं और कौन कौन से खरीद केंद्र का निरीक्षण किया है, क्या कमी पाई? मैं CS जादून, जिला आपूर्ति नियंत्रक फूड कंट्रोलर ग्वालियर जिले से हूँ और वर्तमान में गेहूं उपार्जन कार्य 2020-21 चल रहा है और शासन की ओर से 26 तारीख लास्ट डेट तय की गई है। तो अंतिम समय में कोई अनियमितता ना हो, किसानों को परेशानी ना हो और खरीदी से कुछ केंद्र वंचित ना रह जाएं या किसान वंचित ना रह जाएं अपनी उपज बेचने से, इसके लिए मेरे द्वारा जिले के उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है और आज प्रातः से ही मैं ग्वालियर से निकला हूँ। अभी वर्तमान में घरसौंदी उपार्जन केंद्र पर मेरे द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। पाया गया कि यहाँ पर अभी किसानों की संख्या थोड़ी ज़्यादा, बड़े किसानों के SMS आए हैं जिनकी खरीदी चल रही है और संभावना व्यक्त की जा रही है कि यहाँ पर सभी किसानों की खरीदी 26 तक नहीं हो पाएगी, तो इसकी हम वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे अन्य जो सुविधाएं किसानों को जो दी जा रही हैं उसका भी निरीक्षण किया गया। पाया गया है कि यहाँ पर्याप्त व्यवस्था किसानों के बैठने के लिए, पेयजल के लिए व समुचित व्यवस्थाएं नहीं दिख रही हैं, जिसके संबंध में जो समिति प्रबंधक उनको निर्देश दिए गए हैं, अनुदान स्थिति में उन पर कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी और इसके अलावा अन्य जो उपार्जन केंद्र उनके निरीक्षण के लिए भी अभी मेरे द्वारा यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा और जहाँ पर जो भी कमियाँ पाई जाएगी उसके संबंध में संबंधित को निर्देश दिया जाएगा। सर, दो दिन से जानकारी मिल रही है कि ऑनलाइन वो किसानों की प्राप्ति नहीं मिल रही है और ना कंप्यूटर पकड़ रहा है खरीद। इसमें अभी एक विसंगति आई थी, शासन स्तर से एक डिसीजन हुआ था कि